जेपी नड्डा ये बोले हैं कि लोग आम आदमी पार्टी से तंग आ चुके हैं और बीजेपी को वोट करने के लिए बेताब है। ये तो आपको पता है किससे तंग आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद इन्होंने इतना कर रखा है, जो प्रेम भाईचारा था वो खत्म कर दिया, तो किससे लोग परेशान हो गए तो आपको ज्यादा पता है। उधर बीजेपी भी कह रहे कि हम जीत रहे हैं, कभी नहीं कहे जीतेगी बीजेपी, दिल्ली में तो बिल्कुल साफ है बीजेपी और कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो, बीजेपी है अभी जीरो 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 आएगी, अब जीरो आएगी। 15 साल का उसने देखा, 15 साल का देखा है क्या किया उसने, तीन कोड़े के ढेर भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, केजरीवाल सफाई करेगा झाड़ू से। चुनावी जनसभा और रैलियां बस चंद दिनों की मेहमान हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के वक्त करीब आते जा रहे हैं। वैसे में तमाम पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी की क्या लहर है, क्या वो बीजेपी को चुनौती दे पाएगी कि नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर इरफान खान। अच्छा, मैं आम आदमी पार्टी में इस बार से संगठन मंत्री हूँ। इस बार से संगठन मंत्री है, अच्छा, क्या लगता है इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहेगा हमारी? बेहतरीन रहेगा। बीजेपी नेता जेपी नड्डा कहते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी से तंग आ चुके हैं, अब बीजेपी को वोट करने के लिए बेताब हैं। असल में हम तो किसी नेता की टिप्पणी पे कोई दूसरी टिप्पणी करने के मूड में नहीं है, हम तो सिर्फ काम की बात करते हैं। अच्छा, आप मीडिया से हैं, आप हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि आम आदमी ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में है, उसने कितना काम किया, दिल्ली को किस कगार पे लेके खड़ी कर गई, किस तरह से उसने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, गलियों की कितनी बुरी हालत है। एमसीडी में क्या होता है, बेसिकली एक आम कंसेप्ट यह है कि सफाई का मामला होता है, और सफाई की कितनी बुरी हालत है पूरी दिल्ली में आप देख सकते हैं। खुद बताएगी पब्लिक इस इलेक्शन के बाद कि किसका रुझान है और किसको आना है किसको जाना है, ये हम तय नहीं करेंगे बल्कि पब्लिक तय कर रही है। पब्लिक तय कर रही है और कर चुकी है, जहन बन चुका है। क्या जहन बना हुआ है? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आएंगी? लगभग 230 के करीब होंगे। 230। ये बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, उसी को आप बता रहे हैं? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, थिंक टैंक है हमारा अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल की जो कैलकुलेशन है ना वो हवा में नहीं होती है, जैसे बीजेपी हवा में चीज़ें उड़ाती है ना, उनका तो कोई बैलेंस ही नहीं होता है। किसी भी जुमले की अगर आप तहकीक तक पहुँचेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो आपको कहीं बेस नहीं मिलता है। एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आते हैं, एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतती है 2017 में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है, माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है, हम लोग अभी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। लोकसभा का चुनाव आने वाले वक्त में बताएंगे कैसे लड़ा जाता है, अभी तो हम सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। जब खेती की जाती है ना तो पहले ज़मीन हमवार की जाती है, तो अभी हम ज़मीन हमवार कर रहे हैं, फिर उसमें बीज लगेगा, उसके बाद जब पौधा आएगा और फिर दरख्त बनेगा तो आपके सामने आ जाएगा, अभी मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? इमरान नाम है जी मेरा। अरविंद केजरीवाल 230 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम 170 पार जा रहे हैं, इतनी सीटें भी नहीं है नगर निगम में। नहीं, 250 है ना। हाँ, इतनी सीटें भी नहीं है जितनी दावेदारी नेताओं की हो रही है। तो आम पार्टी की तो किसको सही माने? आम आदमी पार्टी की सही बात मानो आप, इसलिए कि आप प्रचंड बहुमत से आ रहे। नहीं नहीं, इसलिए कि आप किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो माहौल और रुझान दिख रहा है, जो लोगों का मिजाज है वो यही है आम आदमी पार्टी को इस बार एमसीडी में लाना। क्यों लोगों का रुझान और माहौल है आम आदमी पार्टी की? माहौल इस वजह से है कि आपने अरविंद केजरीवाल के काम देखे होंगे। हम अभी आपने कहा ना कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 270 आ रही हैं, 270 है भी नहीं, वो कई जगह 2022 की जगह 2070 भी बोल देते हैं, ऐसे ही वो सीटों के बारे में बोल रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, जेपी नड्डा ये बोले हैं कि लोग आम आदमी पार्टी से तंग आ चुके हैं और बीजेपी को वोट करने के लिए बेताब है। ये तो आपको पता है किससे तंग आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद इन्होंने इतना कर रखा है, जो प्रेम भाईचारा था वो खत्म कर दिया, तो किससे लोग परेशान हो गए तो आपको ज़्यादा पता है। और हम जो कह रहे हैं कि हमारी 230 आ रही हैं, 40 भी हो सकती हैं, वो इस बेस पे कह रहे हैं, काम की बेस पे, कि अरविंद केजरीवाल ने काम कराए, हमारे यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह ने इतने काम कराए कि मैं गिनवाने स्टार्ट करूँ तो आप मेरे से ये सोचोगे कि मैं आम आदमी का हूँ। उसके अलग भी अगर आप जाके मालूम करोगे, यहाँ सड़कों का काम किया, सीवर का काम किया, शिक्षा पे काम किया, नून नगर में बराबर में स्कूल है, उसके अंदर अभी कमरे बनवाए, तो हम तो इस बेस पे कह रहे हैं कि हमने काम किया। अच्छा। हम इस बेस पे नहीं कह रहे कि
हवा में कि 230 आ रही हैं। हम काम के बेस पे कह रहे हैं। अच्छा, काम के आधार पे कह रहे हैं। काम के आधार पे कह रहे हैं। क्या लगता है? ले जा गाड़ी। केजरीवाल आए हैं। केजरीवाल आ रहे हैं। कैसे? बस बहुमत से आएगा भाई। जनता लेकर आ रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम तो केजरीवाल को उतार रहे हैं जी, वही आगे आएंगे। केजरीवाल को क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि भाई वो समझते हैं इंसान को, गरीब को गरीब समझते हैं, इसलिए लाइक करते हैं। एक चीज बताइए आप, उधर तीसरी तरफ कांग्रेस भी है, कांग्रेस का भी एक अपना रुतबा था दिल्ली के अंदर, सरकार चलाई है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमने दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। अब कहने को तो कुछ भी, को देखिए लहर और माहौल जो कांग्रेस का नहीं है, वक्त बदल चुका है। अब कांग्रेस का मामला नहीं है। अच्छा, जो हमें लग रहा है कांग्रेस का मामला नहीं। फाइट इन दो पार्टियों में, और उसमें आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल चुके हैं इस बार, बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी, एमसीडी में आएंगे इस बार। अच्छा, एमसीडी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है बीजेपी, वो तो झूठे निकले हैं। कहाँ निकले? सतेंद्र जैन क्लियर है, कहाँ किस पर निकला भ्रष्टाचार? जो अभी आरोप लगाया था शराब घोटाले का, सीबीआई ने चार्जशीट जमा कर दी, उसमें नाम नहीं। ये तो इनका प्रेशर है, केंद्र में सरकार है, जो चाह रहे हैं किसी पे भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे एमएलए विधायक जी को भी इन्होंने झूठे केस में फंसाया कि उनके घर पे ये निकला वो निकला, सिर्फ एक 50,000 के अलावा कुछ नहीं निकला, जो सीबीआई वालों ने अपने मुंह से कहा था। चलिए, और भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर के? जीत रहे हैं भैया, जीत रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस कहां से? कॉन्फिडेंस दिख रही है जनता की, आवाज़ देखो ना। अच्छा, जनता क्या बोल रही है? उधर बीजेपी भी कह रहे कि हम जीत रहे हैं। कभी नहीं कहे जीतेगी बीजेपी, दिल्ली में तो बिल्कुल साफ है बीजेपी, और कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो। बीजेपी है अभी जीरो, जीरो जीरो आएगी, अब जीरो आएगी। 15 साल का उसने देखा, 15 साल का देखा है क्या किया उसने? तीन कोड़े के ढेर, भ्रष्टाचार। अच्छा, हर चीज में भ्रष्टाचार। केजरीवाल सफाई करेगा झाड़ू से, बिल्कुल सफाई करेगा। अच्छा, इस बार यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, और ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 4 दिसंबर को मतदान होने हैं, 7 दिसंबर को मतगणना होने हैं। देखने वाली बात है कि लहर जो बताई जा रही है वो किसकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।